जो फूल को सहारा दे रहा है इसे कहते हैं वृंत, ठीक है। इसी से पकड़ के लोग प्रपोज करते हैं, लड़का हो लड़की हो, हेलो जानू ये वो प्रपोज कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला डंटी जो दिख रहा है इसको बोला जाता है वृंत, याद रखना। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे फूलों के बारे में पूरी जानकारी। दलपुंज क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं, परागकोष क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, वर्तिका वर्तिकाग्र ये सब क्या होते हैं, और फूलों का नर भाग और मादा भाग क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। देखिए फ्रेंड, फूल जो होते हैं ना, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, ठीक, याद रखना। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, और फूल मुख्य रूप से पौधे का जनन अंग होता है। इसी से पौधे अपना आगे का जनरेशन तैयार करता है, यानी कि फूलों के द्वारा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, फूल का जो कार्य होता है वो प्रजनन की सहायता से फलों का निर्माण करना होता है, ठीक है। अब देखिए बताते हैं फ्रेंड फूलों के भाग यानी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखिए ध्यान से समझना, अब जो हम बात बोलेंगे वो पूरी डिटेल है, यानी कि फ्लावर के बारे में जो भी आप जानकारी लेंगे वो फ्लावर के पार्ट से ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग, चौथा होता है जयांग, ठीक। अब चारों को डिटेल से देखते हैं। देखिए फ्रेंड, चारों पार्ट समझने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए कि फूलों का जो ये वाला डंटी टाइप का आपको दिख रहा है इसको विरिंत बोलता है, यानी कि ये जो है ये फूल को सहारा देते हैं, यानी कि फूल का पूरा पार्ट इसी पे है, ठीक ना। तो ये जो डंटी टाइप का दिख रहा है, ये जो फ्लावर का मेन पार्ट है जो फूल को सहारा दे रहा है इसे कहते हैं वृंत, ठीक है। इसी से पकड़ के लोग प्रपोज करते हैं, लड़का हो लड़की हो, हेलो जानू ये वो प्रपोज कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये वाला डंटी जो दिख रहा है इसको बोला जाता है वृंत, याद रखना। और यही फ्रेंड, यही जो डाली है ना, यही फूल को मतलब डाली से निकलने में मदद करता है। ये जो आपको डंटी हम बोले जिसको कि वृंत बोला जाता है, यही फूल को डाली से निकलने में मदद करता है। अब देखिए फ्रेंड, मेन चीज जो कि है फूल का मेन चीज, जिस पे कि पूरा चीज डिपेंड है, पूरा चीज तो नहीं है, ये देखिए ये जो विरिंत है, विरिंत के ऊपर में एक छोटा सा गोल टाइप का रहता है, और वही गोले पे हर एक चीज रहता है, फूल का पूरा पार्ट वही पे रहता है। ये जो आपको गोल जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पुष्प आसन, यानी पुष्प का आसन, यानी पुष्प जिस पे बैठता है वही है आसन, पुष्पों का आसन उसे कहते हैं पुष्पासन, याद रखना। ये जो विरिंत है, विरिंत के जस्ट ऊपर में जो गोल जैसा दिखेगा उसे कहते हैं पुष्पासन। तो फ्रेंड पुष्पासन जो होते हैं इसका इंग्लिश नेम होता है थैलेमस, ठीक। अब देखिए फूलों के भाग के बारे में बताते हैं पूरी डीपली से, ध्यान से देखना। सबसे पहले जानते हैं बाह्य दलपुंज क्या होते हैं। तो बाह्य दलपुंज जो होता है, जब फूल कली अवस्था में होती है तो उसको जो रक्षा करने का काम करता है वो कौन करता है, बाह्य दलपुंज। जो कि देखिए आपको, अब आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये है बाह्य दलपुंज, ये फूलों में चिपक के रहता है। जब फूल कली अवस्था में होती है तो ये फूलों से चिपक के रहता है और ये हरा जैसा दिखता है, ठीक। अब देखिए जब फूल धीरे धीरे खिलने लगता है तो ये धीरे धीरे नीचे लटकने लगता है, जब फूल पूरा खिल जाता है तो ये पूरा नीचे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब फूल कली अवस्था में है तो चिपका हुआ है, जब फूल धीरे धीरे खिल रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जब फूल पूरा खिल जाता है तो ये धीरे नीचे लटक जाता है, ठीक। तो ये हो गया बाह्य दलपुंज। और याद रखना फ्रेंड, बाह्य दलपुंज का जो रंग होता है वो हमेशा हरा रंग का ही होता है। इसी से जब फूल कली अवस्था में होती है तो इसका जो भोजन का आदान प्रदान होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा यही करता है, यानी कि बाह्य दलपुंज ही करता है। अब देखिए फ्रेंड बताते हैं दलपुंज। एक तो था बाह्य दलपुंज जो कि बाहर रहता था, बाह्य मतलब होता है बाहर, यानी कि अभी मैंने आपको बता दिया जब फूल खिलने शुरू करता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, जब फूल पूरा खिल जाता है तो वो पूरा नीच हो जाता है, उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। अब देखिए दूसरा नंबर है दलपुंज। दलपुंज को ध्यान से समझना, फूलों का जो पत्ती होता है, जैसे ये वाला, जैसे कि ये जो जिससे कि सुगंधित होता है, यानी फूल जिसमें ज्यादा मतलब सुगंध करता है, ये जो है फूलों का पत्ती है, ठीक। हरी वाली पत्ती नहीं, वो जो डाली में रहते हैं वो वाली पत्ती नहीं, फूल में जो पत्ती रहते हैं जैसे गुलाब का, मतलब सभी का अलग अलग कलर होता है। तो देखिए ये जो पत्ती टाइप का आपको दिख रहा है इसे कहते हैं दलपुंज। इसी से कोई भी फूल
ज्यादा सुगंधित होते हैं। तो फ्रेंड ये होता है दलपुंज, और दलपुंज के बाहर में जो रहता है उसे कहते हैं वाह दलपुंज। एक होता है अंदर का दलपुंज जो कि पत्ती टाइप का रहता है, और बाहर का दलपुंज जो हरा टाइप का रहता है उसे कहते हैं वाह दलपुंज। अब सवाल ये आता है कि बहुत ऐसे फूल होते हैं जो बहुत गंध तोड़ते हैं, यानी वो बहुत सुगंधित होते हैं, और बहुत फूल ऐसे होते हैं जो कम सुगंधित होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड, जब फूल रात में खिलता है तो वो ज्यादा सुगंधित होते हैं, और जब फूल दिन में खिलते हैं तो वो कम सुगंधित होते हैं। अब देखिए तीसरा है पुमंग और चौथा है जयंग, दोनों को डीप से समझेंगे। पहले समझ लीजिए पुमंग और जयंग क्या होते हैं। पुमंग मतलब होता है पुरुष यानी मेल, तो ये जो है नर वाला पार्ट, यानी कि आप देख सकते हैं कि जिसमें कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं अभी हम वीडियो में, तो जैसे कि हम अभी आपको बताएंगे तो वहां हाथ नहीं करेंगे लेकिन वो आपको दिखाएंगे जरूर। देखिए फ्रेंड, पुमंग जो होता है ना वो एक तरह से मेल पार्ट होता है यानी कि नर पार्ट होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो एक लंबा टाइप का रहता है और ऐसे निकला हुआ रहता है फूल में, ठीक। और मादा जो होता है यानी कि जयांग, उसे मादा होता है यानी कि फीमेल होता है, तो वो बीच में रहता है और ऐसे करके और ऊपर रहता है, वो सबसे बीच में रहता है। फूल का बीच वाला भाग जो बीच से ऊपर जाता है उसे कहते हैं जयांग, और जो इधर बगल बगल में रहता है ऐसे ऐसे करके उसे कहते हैं पुमंग। अब दोनों को डीपली समझते हैं। सबसे पहला मेल यानी पुमंग, ठीक, एंड्रोसियम इसे इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रोसियम यानी कि पुमंग के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है पुंकेसर, दूसरा होता है परागकोष, और परागकोष के अंदर जो कण भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं पराग कण, ठीक। कैसे, तो सुनिए। देखिए फ्रेंड, फूल का जो अभी मैंने आपको बताया नर वाला पार्ट यानी कि ऐसे करके जो ऐसे है, तो नर वाला पार्ट में देखिए तीन पार्ट हैं। पहला है पुंकेसर, दूसरा है परागकोष, तीसरा है परागकण। कैसे, तो ये जो आपको डंटी टाइप का दिख रहा है, जो लंबा टाइप का दिख रहा है, ये जो पूरा डंटी है इसको बोला जाता है पुंकेसर, ठीक। और इसी में ऊपर में आपको गोल टाइप का यानी कि एक बिंदु टाइप का बन जाता है, उसे कहते हैं परागकोष, और उसके अंदर जो खाली जगह में जो कण भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं परागकण। ध्यान से समझना, ये देखिए ये जो ऐसे करके है इसे कहते हैं पुंकेसर, ऊपर में जो गया गोल हो गया परागकोष हो गया, परागकोष के अंदर जो चीज भरा हुआ रहता है उसे कहते हैं परागकण, ठीक, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फीमेल वाला पार्ट यानी कि जयांग। देखिए फ्रेंड, जयांग भी तीन तरह के होते हैं। बीच वाला है जयांग जो आपको लोटा टाइप का ऐसे करके ऊपर में बिंदा टाइप का, ये जो आपको दिख रहा है ये है जयांग यानी फीमेल यानी कि मादा पार्ट। तो अब देखिए इसका भी तीन पार्ट है। पहला पार्ट है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है वर्तिकाग्र। कैसे, अंडाशय उसे कहते हैं जो बीच में लोटा टाइप का ऐसे करके है उसे कहते हैं अंडाशय, ठीक। लोटा बन के ऊपर गया लंबा टाइप का उसे कहेंगे वर्तिका, वर्तिका के जस्ट ऊपर में ठीक ऐसे छोटा सा हो गया गोल टाइप का ऊपर में मुंह जैसा जो बन गया उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। देखिए प्रयाण, मेल वाला जो पार्ट है वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है वर्तिकाग्र। कैसे, अंडाशय जो होता है बीच में रहता है लोटा टाइप का रहता है ऐसे बना हुआ रहता है उसे कहते हैं अंडाशय, लोटा के जस्ट ऊपर जाएगा सीधा टाइप का जो दिख रहा है उसे कहते हैं वर्तिका, और उसके ऊपर जस्ट जाके जो ऐसे करके है बिंदु जैसा जो ऊपर में मुंह जैसा जो दिख रहा है उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर